तो हेमंत सोरेन के ऊपर इस वक्त जो संकट के बादल हैं वो छटेंगे या फिर नहीं, ये चुनाव आयोग के फैसले के बाद तय होगा। लेकिन उससे पहले कई तरह के कयास झारखंड में लगाए जा रहे हैं और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। अमित मंडल, आपका रुख कर लेती हूँ। जिस तरह से शशांक बता रहे थे, उनके सोर्सेस ये बता रहे हैं कि आप लोग इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्या रणनीति है बीजेपी की? देखिए, विनोद जी ने एक बात कही थी कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है विधायकों में। मैं उस पर आके फिर आपकी बात को कवर करता हूं। आपको याद होगा कि जब कैश कांड हुआ था, 3 विधायक बंगाल में पकड़े गए थे, तो यही जेएमएम थी और यही कांग्रेस थी, तो पूरा ब्लेम भारतीय जनता पार्टी पे लगा रही थी। लेकिन आज का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे इरफान जी का, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि ये पूरी साजिश रची गई थी टीएमसी और जेएमएम के द्वारा और उनको स्केप गोट, बलि का बकरा बनाया गया था पॉलिटिक्स का। तो ये साफ स्पष्ट हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल माइंड के लिए मैं आज भी आरोप लगा रहा हूं। आप अपने विधायक की बात सुन ले, इरफान अंसारी आप ही के महागठबंधन के विधायक हैं, उन्होंने साफ कहा है कि इसमें टीएमसी और जेएमएम दोनों का हाथ है और उनको बहुत बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। नहीं, वो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इरफान अंसारी जी की ही बात कर रहा हूँ जो आज उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट दिया था। तो इससे कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि विधायकों में नाराजगी है। आपको याद होगा कि लोबिन हेमरम जो कि साहेबगंज के विधायक हैं, संथाल परगना से आते हैं, कई बार उन्होंने सरकार के ऊपर ये हमला बोला है कि कहीं ना कहीं सरकार में विधायकों की नहीं सुनी जाती और जो सीएम के करीबी हैं, जो अभी ईडी की गिरफ्त में है, वो सुपर सीएम का काम वहां पे कर रहे हैं। तो इसलिए नाराजगी तो वहां स्वाभाविक, और इसी नाराजगी को पाटने के लिए कल की बैठक बुलाई गई थी। जैसा आपका कहना है कि ये इसमें बीजेपी का क्या रुख होगा, बीजेपी संविधान को मानती है और बीजेपी संवैधानिक दायरे में काम करना पसंद करती है। अगर आर्टिकल 192 में ये संविधान ने ये निहित पावर दिया है गवर्नर को कि अमित एक मिनट आप ये बता दीजिए, जो शशांक कह रहे थे कि अगर फेवर में आता है फैसला तो आप लोग कोर्ट जा रहे हैं क्या आगे, उसकी भी तैयारी? नहीं, देखिए ये तो सुशांत जी का अपना इनपुट होगा, हम लोग बस इतना ही चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो और संविधान के दायरे में जो भी पावर हम लोगों को एज ए विपक्ष मिला गया उस टूल्स को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला एक गंभीर मामला है, सीएम रहते आपने लेटर ऑफ इंटेंट किया था अनगढ़ा में, आपने 99 एकड़ ब्लॉक्स को आवंटन कराया था, ये गंभीर विषय है और ये भ्रष्टाचार को जो हम लोगों ने उजागर किया है, भ्रष्टाचार को जो झारखंड में उजागर किया है, इसका सीधा सीधा एग्जांपल आप ईडी की कार्रवाई में देख सकते हैं कि जहां पे भी ईडी हाथ मार रही है करोड़ों करोड़। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, साथ ही शशांक भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।